I am Jayesh and I welcome you to Cool School. Today we are going to understand chapter 5th of class 6 history, religious trends in ancient India. तो इसमें हम देखेंगे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इंडिया में इमर्ज हुआ, देन जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जोरोस्ट्रियनिज्म ये बाहर से इंडिया में आए. तो हम देखेंगे कि जो जैनिज्म और बुद्धिज्म का इमर्जेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ ये हम देखेंगे, और जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जोरोस्ट्रियनिज्म इंडिया में कैसे आए ये हम देखेंगे. अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके रिवाइज करिए, उन्हें देखिए, और आपको पिछला जो चैप्टर था वैदिक पीरियड, वैदिक सिविलाइजेशन, वो आपको इस चैप्टर अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा. सो प्लीज गो बैक एंड रिवाइज. तो जो वैदिक सिविलाइजेशन थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन थी, जिसने इंडियन सिविलाइजेशन का जो बेस था उसको रखा. फिर भी हमें इंडिया में जैनिज्म, बुद्धिज्म और ये बाकी जो रिलीजन है वो आए, वो क्यों आए, क्यों इमर्ज हुए, इसके रीजंस देखने पड़ेंगे. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या ऐसी खामियां थी या फिर क्या ऐसे गुड थिंग्स थी वैदिक सिविलाइजेशन में जो आगे बढ़ी, ये भी हमें देखनी चाहिए. तो उसके लिए हम जानेंगे कि जब वैदिक सिविलाइजेशन का पीरियड एंड होता आया तब क्या हुआ कि जो आपने पढ़ा कि वैदिक सिविलाइजेशन में यज्ञ राइट्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ होते थे, और इसका जो नॉलेज था वो संस्कृत में हुआ करता था. संस्कृत में होने के हिसाब से जो प्रिस्टली कास्ट था, प्रिस्टली कास्ट जो ब्राह्मिन्स लोग थे उनको ही पता चलता था, तो कॉमन लोगों की जो उस पर पकड़ थी वो बहुत कम होती चली थी. फिर बाद में ऐसे हुआ कि लोगों ने उपनिषद पीरियड में रिलीजन को इंपॉर्टेंस दिया, पर उसके साथ में उन्होंने यज्ञ रिचुअल्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया. फिर भी जो उपनिषद पीरियड के पीरियड का जो टाइम था वहां पे मेन क्वेश्चंस थे वो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल और नेचर के बारे में थे. ये भी कॉमन पीपल के अंडरस्टैंडिंग के बाहर के था. तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट सेक्ट्स का जो उदय हुआ यहाँ पे, तो उसमें शैवा सेक्ट, शैवा सेक्ट जो भगवान शिव की पूजा करते थे, देन वैष्णवा सेक्ट जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और उनपे बेस्ट पुराणास लिखे गए, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये लिखे गए, उन डायटीज के स्पेसिफिक वो पुराण लिखे गए. फिर बाद में जैसे वैदिक सिविलाइजेशन हुआ, फिर लोगों को पता चला कि बहुत रिस्ट्रिक्शन है, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा, लोग डेवलप हो गए, होते गए, तब उनको रियलाइज हुआ कि खुद भी आदमी खुद का डेवलपमेंट कर सकता है, अपलिफ्टमेंट कर सकता है, और इसके वजह से क्या हो कि न्यू रिलीजन जो है वो आगे आते गए. और न्यू रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा था कि दे एम्पैथेटिकली स्टेटेड दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हैज नो प्लेस इन इंडिविजुअल्स अपलिफ्टमेंट. तो वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसे हुआ था कि वर्णा सिस्टम था, फोर वर्णा सिस्टम, तो इनिशियली वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन था, पर बाद में ऐसे हुआ कि अगर आप किस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन वाले पर्सन के घर में जन्म लेते हैं तभी आपका कास्ट डिसाइड हो जाता था. ओके, तो इसलिए फिर ये लोगों ने जाना कि नहीं, अपन खुद का डेवलपमेंट खुद भी कर सकते हैं, और इसलिए न्यू रिलीजन इमर्ज हुए. और उसमें ये भी कॉन्सेप्ट आया कि ऐसा कोई जो रिस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, फिर हम देखेंगे जैनिज्म. तो जो जैनिज्म था उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नॉन वायलेंस को दिया हुआ है. अब नॉन वायलेंस क्या होता है? नॉन वायलेंस ऐसी एक विचारधारा है जिसमें किसी को भी फिजिकली, मेंटली या फिर वैचारिक परिस्थिति से, मानसिक परिस्थिति से परेशान नहीं करना है. वायलेंस, किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं करना है, ये इसमें इंपॉर्टेंस बहुत दिया गया. फिर जैन ट्रेडिशन से, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अ पर्सन हु रिवील्स रिलीजियस नॉलेज उनको तीर्थंकर कहा जाता है. तो एक्चुअली जैन रिलीजन में 24 तीर्थंकर होके गए, और वर्धमान महावीर जो थे वो 24 तीर्थंकर थे, और इनका जैन रिलीजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा है. फिर जैनिज्म में हम जानेंगे वर्धमान महावीर के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वही थे जैनिज्म में. तो उनके जो फादर थे उनका नाम सिद्धार्थ था, और मदर का नाम त्रिशला था, और वो उनका जन्म हुआ था रिही महाजनपदा थे, रिही जो महाजनपद था उसमें हुआ था, और ये महाजनपद कहाँ था? आज के बिहार में था. और उन्होंने घर छोड़ा था नॉलेज अटेंड करने के लिए, फिर उनको आफ्टर उन्होंने 12 एंड हाफ ईयर्स ऑफ रिगर्स तप किया,
फिर उनको प्योर नॉलेज और या फिर केवल प्राप्त हुआ, प्योर नॉलेज प्राप्त हुआ, और ही वॉज कॉल्ड एज जीना और कॉन्करर बिकॉज द जॉय डिराइव फ्रॉम द फिजिकल कंफर्ट्स एंड डिसकंफर्ट फेल्ड ड्यू टू अनडिजायर्ड थिंग हैड नो इम्पैक्ट व्हाटसएवर ऑन हिम। तो इसमें ऐसी चीज थी कि उनको जो जॉय फील होता था या फिर उनको जो दुख होता था उनका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता था, वो एक स्तब्ध भूमिका में रहते थे, उनके विचार जो थे वो स्तब्ध भूमिका में रहते थे, इसलिए उनको जिन कहा जाता था। और जो जैन नाम है वो इस जिन से डिराइव हुआ या फिर जिना से डिराइव हुआ। ही प्रीच्ड इन अर्धमागधी इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। तो वैदिक सिविलाइजेशन का एक ड्रॉबैक था कि जो लिटरेचर था वो संस्कृत में था जो कि कॉमन पीपल समझ नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने अर्धमागधी जो कॉमन पीपल का लैंग्वेज था उनमें उसमें पढ़ाने की पढ़ाना पढ़ाया या फिर प्रीच किया और लोग को समझाया। और उन्होंने गुड कंडक्ट पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, स्ट्रेस किया है। देन उन्होंने फाइव ग्रेट वोज, पंच महाव्रतास बताए और एंड थ्री ज्वेल्स, थ्री रत्नास बताए। ये भी हम देखेंगे। तो हम देखेंगे पंच महाव्रतास। पंच महाव्रतास में अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस में क्या होता है, नो लिविंग बीइंग शुड बी हर्ट, इंजर्ड और हार्म थ्रू वंस बिहेवियर। अपने अपने देखा कि नॉन वायलेंस में हम फिजिकली, मेंटली या फिर किसी भी तरीके से अपना बिहेवियर जो है सामने वाले को हार्मफुल रहेगा ऐसा काम नहीं करेंगे। देन सेकेंड महाव्रताइज सत्य, ट्रुथ। सो एवरी स्पीच एंड एक्शन शुड बी ट्रू। तो हमारा जो, हमारी वाणी या फिर बोली होगी या फिर हमारा जो एक्शन होगा उससे सत्य प्रतीत होना चाहिए, ट्रूनेस प्रतीत होना चाहिए। देन अस्तेय, दैट इज नॉन स्टीलिंग। अस्तेय मीन्स थेफ्ट, टेकिंग वॉट बिलोंग्स टू यू अदर वॉट बिलोंग्स टू अदर्स विदाउट देयर कंसेंट इज थेफ्ट और स्टीलिंग। तो जो दूसरे को बिलोंग करता है वो आप बिना उसके कंसेंट से ले लेते हैं, बिना उससे पूछे या फिर उसकी इच्छा हुए ले लेते हैं। तो इसको इसको उन्होंने मना किया, उसको उन्हें अस्तेय कहा और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला अपरिग्रह, इसका बोला नॉन अटैचमेंट। नॉन अटैचमेंट मतलब जो आदमी है वो वेल्थ एक्यूमुलेट करता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज से अटैच हो जाता है, ज्यादा इमोशनली उसमें घुस जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य या फिर चैसिटी, इसको भी फॉलो करने के लिए उन्होंने कहा। इट मीन्स लिविंग बॉडीली प्लेजर्स एंड फॉलोइंग द वोज। इसका मतलब है कि बॉडीली प्लेजर्स जो है उनको छोड़िए और आप ये जो वोज अपने लिए उनको फॉलो करिए। ये पंच महाव्रतास थे, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड फॉर नॉलेज। देन ही गेव थ्री रत्नास, द थ्री ज्वेल्स। तो उन्होंने बोला कि सम्यक दर्शन। सो व्हाट इज सम्यक दर्शन? टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ इन द प्रीचिंग ऑफ तीर्थंकर एंड टू हैव फेथ इन इट। तो सम्यक दर्शन का मतलब है कि तीर्थंकर ने जो बोला उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए, उस हिसाब से काम करिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान मतलब स्टडिंग द प्रीचिंग एंड फिलोसॉफी ऑफ तीर्थंकर रेगुलरली एंड लर्निंग इट्स डीप मीनिंग। तो जो तीर्थंकर थे वो कुछ बता के गए, तो वो जो बता के वो लोग गए तो उसको स्टडी करना है और उसका डीप मीनिंग समझना है। देन सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र मतलब वापस से स्ट्रिक्टली फॉलो द फाइव ग्रेट वोज। ये उन्होंने बोला कि हम मेरी जो हम जैनिज्म में जो फाइव ग्रेट वोज दी गई है उनको बहुत स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है तभी हम जैनिज्म में आएंगे। देन व्हाट वर इज इसेंस ऑफ टीचिंग, अनेकत्ववाद, अनेकत्ववाद इट मीन्स प्लूरलिज्म। तो इसका मतलब होता है कि एक अगर कोई बात है इसके सारे व्यू पॉइंट्स, ऊपर नीचे आगे पीछे सारे व्यू पॉइंट से देखना, इसको अनेकत्ववाद कहते हैं या फिर प्लूरलिज्म कहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ग्रेटनेस ऑफ मैन डज नॉट डिपेंड्स ऑन हिज वर्ना बट हिज एक्सलेंट कंडक्ट। तो वर्ना सिस्टम था, वर्ना सिस्टम में जैसे अपन ने देखा कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से एट द एंड वो डिसाइड होने लग गए इंपॉर्टेंस, पर उन्होंने इसको माना नहीं। उन्होंने बोला कि आदमी का जो ग्रेटनेस है वो डिपेंड होता है उसका कंडक्ट पे, वो कैसे काम कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आदमी अच्छा है, बुरा काम कर रहा है तो आदमी बुरा है। महावीर वर्धमान गेव द राइट ऑफ संन्यास टू द वुमन। तो हमने देखा कि वैदिक पीरियड में वुमन्स को इंपॉर्टेंस कम होते गया, बट वही उसका ड्रॉबैक भर के निकालने के लिए इन्होंने, वर्धमान महावीर जी ने, वुमन्स को भी संन्यास लेने का जो राइट है वो दिया। देन ही टीचिंग वेर लव ऑल लिविंग थिंग्स, हैव मर्सी एंड कंपैशन, लिव एंड लेट लिव। दिस वेर द टीचिंग ऑफ वर्धमान महावीर। देन वी विल सी द बुद्धिज्म।
बुद्धिज्म इज स्टार्टेड बाय गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. हिज फादर्स नेम वॉज शुद्धोधना, मदर्स नेम वॉज माया देवी एंड ही वॉज बॉर्न एट द लुम्बिनी दैट इज इन नेपाल, करंट नेपाल. सो ही वॉज नोन एज बुद्धा बिकॉज ही अटेन नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट्स एंटायरिटी. इसका मतलब है उनको बुद्धा कहा जाता है. बुद्धा का मतलब होता है ऐसा आदमी जिसको नॉलेज है सारा चीज का, तो उनको बुद्धा कहा गया क्योंकि उनको पूरे लाइफ का जो नॉलेज था वो अचानक से मिल गया, फिर तप करके मिला, इसलिए उनको बुद्धा कहा जाता है. ही वॉन्टेड टू नो वाई देयर इज सॉरो एंड सफरिंग इन द ह्यूमन लाइफ, दुख क्यों है और लोग सफर क्यों कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ में, ये उनको जानना उनके लाइफ का एक गोल था. और वैशाख पूर्णिमा के दिन जब वो डीप मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको बोधि जो है वो प्राप्त हुई, बोधि मतलब एनलाइटमेंट, उनको नॉलेज प्राप्त हुआ. और वो कहाँ पे थे, तो वो एक पीपल ट्री के नीचे थे और उसको आज बोधि ट्री कहा जाता है जो कि बिहार में एक जगह पे है. ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट टीचिंग एट सारनाथ एंड हिज फर्स्ट सरमन आर एज धम्मा एंड द इवेंट इज कॉल्ड धम्म चक्र परिवर्तन इन पाली. सो उन्होंने जो अपना फर्स्ट टीचिंग था वो सारनाथ में दिया और उसको उस टीचिंग को सरमन भी कहा जाता है और उसको धम्म का और उसको धम्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है. तो उन्होंने इसका मतलब ऐसा है कि एक अच्छे धर्म का चक्र उन्होंने चालू किया और उन्होंने अपनी टीचिंग थी वो पाली में की. उन्होंने 4 सत्यास दिए और उन्होंने कहा कि ये सारे इसका रूट है, ह्यूमन अफेयर्स का रूट है. तो उन्होंने बोला कि आर्य सत्यास बोला जाता है इनको, 4 ट्रुथ्स और आर्य सत्यास. सो फर्स्ट इज दुखा दैट इज देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, तो दुख तो प्रेजेंट है ही ह्यूमन लाइफ में, इन्होंने ये कहा. देन उन्होंने कहा कि कॉज ऑफ दुखा, तो हर दुख की एक रीजन है, एक कारण है, एक दुख अवेलेबल है अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ है तो उसको कोई ना कोई तो रीजन जरूर है. देन दुख निवारण, और फिर अगर दुख है, दुख का कारण पता चल गया तो उसको निवारण भी किया जा सकता है, उसका एंड भी किया जा सकता है. और प्रतिपद, तो प्रतिपद मतलब ऐसा मार्ग जिससे दुख का निवारण किया जा सकता है. इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, एट फोल्ड पाथ दिया. तो हम देखेंगे पंचशील. फर्स्ट उन्होंने दिया पंचशील, देन अष्टांग मार्ग, उसमें से हम पंचशील देखेंगे. तो उन्होंने बोला कि 5 जो रूल है वो बुद्धिज्म में आपको फॉलो करने हैं और इनको पंचशील कहा गया. स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, किसी एनिमल की हत्या ना करें, देन चोरी ना करें, डोंट स्टील, अनइथिकल कंडक्ट ना रखेंगे, व्यभ विचार, काम, लोभ, क्रोध, माया ये ना रखे, झूठ मत बोलिए और किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेंट का सेवन मत करिए. इट मीन्स डोंट ड्रिंक अल्कोहल और टेक दी ड्रग्स काइंड ऑफ दी गांजा एंड ऑल ऑफ अदर ड्रग्स, प्लीज डोंट टेक, स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स. इन्होंने ये पंचशील दिए और इनको फॉलो करने के लिए क्या. फिर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि संगा. अब बुद्धिज्म को बुद्धा को आगे बढ़ाना था तो उन्होंने क्या किया कि भिक्कूस का एक संघ क्रिएट किया जो कि बुद्धिज्म को प्रीच करेंगे और उसमें वुमन फॉलोअर्स भी थी, उनको भिक्कुनी कहा गया. एंड दे ट्रेवल्ड ऑन फूट एंड प्रीच धम्मा टू द पीपल. वो उन्होंने पूरे भारत भर में घूमे या फिर भारत के बाहर भी गए और धम्मा को प्रीच किया और धम्मा को बहुत आगे बढ़ाया. एंड इसमें जो था धम्मा में बहुत सारे लोग शामिल थे, उसमें वर्ण या कास्ट का कोई रोल नहीं था, कोई भी प्रकार का, कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का जो इंसान था वो बुद्धिज्म में शामिल हो सकता था. फिर उनके टीचिंग का, बुद्धा के टीचिंग का इसेंस क्या था, इंपोर्टेंस क्या था, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को टोटली रिफ्यूज किया है और वर्ण सिस्टम को भी टोटली रिफ्यूज किया है. उन्होंने बोला कि नो वन इज ग्रेटर और स्मॉलर बाय बर्थ. वैदिक सिविलाइजेशन में एट द एंड कहा गया कि बर्थ से आपका इंपॉर्टेंस ठहराया जाएगा, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप किसके बर्थ से किसी का इंपॉर्टेंस नहीं ठहरा सकते. ग्रेटनेस डिपेंड्स ऑन वंस बिहेवियर और कंडक्ट. जैसे वर्धमान महावीर ने कहा वैसे इन्होंने भी कहा कि किसी का ग्रेटनेस जो है उसके कंडक्ट से डिसाइड होता है, वो कैसे रहता है सोसाइटी में. इफ ही इज गुड एट हिज लिविंग then he is a good person, if he is bad at his living then he is a bad person. He preached that like men and women to had the right to their own upliftment.
तो इन्होंने वुमेन्स को इम्पोर्टेंस दिया, उन्होंने ड्यू इम्पोर्टेंस वुमेन को दिया और कहा कि जैसे मैन को अपने डेवलपमेंट का हक है, अधिकार है, वैसे महिलाओं को भी अपने अपलिफ्टमेंट का अधिकार है। ही अपोज रिचुअल ऑफ यज्ञ, क्योंकि बहुत ही प्रीस्टली कास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पा चुका था और कॉमन लोगों को उसका नॉलेज नहीं पास कर रहा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ को विरोध किया। देन हिज टीचिंग ऑफ विजडम प्रज्ञा, देन वर्चू शील एंड अदर वैल्यूज आर एम्ड एट वेलफेयर ऑफ मैन। उन्होंने प्रज्ञा, शील और करुणा, ऐसे तीन उनकी टीचिंग्स थी। और करुणा का मीनिंग होता है कंपैशन, वर्चू का मीनिंग होता है शील और विजडम प्रज्ञा होता है। एंड दिस ही सेड फॉर हैविंग अ गुड पर्सनैलिटी यू शुड हैव ऑल दिस थ्री क्वालिटीज, दिस वर एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। देन जुदाइज्म, सो जुदाइज्म एक्चुअली द ज्यू पीपल एंड इट इज कॉल्ड एज जुदाइज्म। सो पीपल बिलोंगिंग टू जूविश रिलीजन मे हैव अराइव्ड इन कोची इन केरला अराउंड फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी ऑफ क्रिस्टियन इरा। तो जो फर्स्ट सेंचुरी था ऑफ क्रिस्टियन इरा उसमें ये लोग केरला के कोची में आए थे। देन दे बिलीव्ड इन देयर बिलीफ वॉज देर इज ओनली वन गॉड, कोई भी एक ही भगवान है। देन इनका जो एम्फेसिस है वो है जस्टिस पे, ट्रुथ पे, पीस पे, लव, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, इथिकल स्पीच एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो ये तो बहुत अच्छी बात है इनके रिलीजन में है, जस्टिस, न्याय, ट्रुथ, सत्य, पीस, शांति, लव, प्रेम, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, चैरिटी, इथिकल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। देन देयर प्रेयर हाउस इज नोन एज सिनेगॉज, देयर प्रेयर हाउस इज नोन एज सिनेगॉज। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मे बी आस्क्ड टू आस्क इन एग्जाम। And then the Christianity. So Christianity was founded by Jesus Christ. So there was 12 disciple of Jesus Christ, and from that Thomas, which was one of the disciple, came to Pallayur in Thiruchuru district in Kerala, and he established church. Then according to Christianity also there is only one God, and they believe he is a loving father and he is omnipotent. It is believed that Jesus Christ is the son of God who came to the earth for the salvation of mankind. और Jesus Christ जो थे वो God के son थे और कल्याण करने के लिए आए थे, वो पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, ऐसा उनका belief है। According to teaching of Christianity, we all are brothers and sisters. अपने pledge में भी है, Indian pledge में we all are brothers and sisters. Then Bible is a holy book of Christianity and church is a holy place of Christianity. Then Islam. So Islam is monotheistic religion. That means same thing. There is only one God. There is only one Allah and Muhammad his prophet. So Allah is a God and उनका message कौन देता है? तो prophet Muhammad prophet देते हैं. Then मैंने बोला कि उनका जो message है वो holy book Quran Sharif में reveal किया जाता है through prophet के. And word Islam means to surrender Allah. The meaning of Islam is to surrender Allah. Then the teaching of Islam is that Allah is eternal, absolute, all powerful and merciful. So Islam ki teaching kya hai? To Allah is eternal means everywhere present God is Allah. Then it's absolute, that is only one God, powerful, bahut powerful hai, and merciful, wahi aapko mercy bhi pradan karta hai. Then Quran Sharif provides guidance on how man should behave in a life. तो कुरान गाइड करता है इस्लाम, किसी इस्लामी रिलीजन के बंदे का जो कंडक्ट है वो कुरान गाइड करता है। सिंस एशियन टाइम्स देयर हैव बीन ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अरेबिया, तो इस वजह से हमारे पास में इंडिया में 7th century CE में जो अरब ट्रेडर्स थे वो केरला में आए, वो सेटल हुए कुछ, और उन्होंने वहां पे अपना बस्तान बसाया और वैसे ही इंडिया में इस्लाम आया और इनके जो होली प्लेस है उसको मस्जिद कहा जाता है और इनके होली बुक को कुरान शरीफ कहा जाता है। देन ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, द मोस्ट लविंग पारसी पीपल, यू नो दे आर ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, देयर रिलीजन इज ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, सॉरी। सिंस एशियन टाइम्स द ज़ोरोस्ट्रियन पीपल एंड वैदिक पीपल हैव शेयर्ड टाइज, सो वी हैव रिलेशन विद दिस रिलीजन फ्रॉम द वैदिक पीरियड एंड देयर sacred text is known as Avesta and the language of Rig Veda and Avesta is similar. The Parsis came to India from the Pars or Fars province of Iran, therefore they are known as Parsis. तो उनके जो province था base उनका था वो Pars या Fars था, इसलिए उनको Parsis कहा जाता है। And they
फर्स्ट केम टू गुजरात इन 8th सेंचुरी क्राइस्ट इरा। इट इज बिलीव दैट कि वो आए 8th सेंचुरी में, गुजरात में सबसे पहले आए, एंड देयर फाउंडर ज़रोस्ट्र इज, और ज़रोस्ट्र इज अ फाउंडर ऑफ देयर रिलीजन। आई विल मार्क इट। देन अजूर मजदा इज देयर नेम, इज देयर गॉड। अजूर मजदा इज देयर गॉड एंड द एलिमेंट ऑफ फायर एंड वाटर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर रिलीजन। जो आग है और पानी वो बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी सेकंड फिगर जो है, फायर बर्न्स इन द टेम्पल एंड विच इज नोन एज अग्यारीज, अग्यारी कहा जाता है। एंड एट द कोर ऑफ पारसी थिंकिंग देर आर थ्री मेन प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, नेमली गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे काम, ये इनका प्रिंसिपल है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाए, और कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को शेयर करिए और वीडियो को भी शेयर करिए, और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।